गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में मैंने तुम्हारे यहाँ जो किससे रिलेटेड जो ये चीजें बता रही है कि ना कि कोवेलेंट करेक्टर या आयनिक करेक्टर कितना होगा, वहां जो कोवेलेंट बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड था उससे रिलेटेड जो चीजें थी आपके पास यहाँ, उन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ। ठीक है कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो है ना वो किस तरह से वो चीजें बन के निकल के आ रही है हमारे पास यहां से। ठीक है, उसके बाद में हम आपका यहाँ जैसे कोवेलेंट करेक्टर आयनिक करेक्टर से ही रिलेटेड चीजें थी कि ना डाइपोल मोमेंट है, कि कोई भी बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक नहीं होता, प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर होता है और आयनिक करेक्टर में कोवेलेंट करेक्टर होता है। ये सब चीजें डाइपोल मोमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा आपने, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड है कि ये कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर वास्तव में किस तरह से हम इसे बता पाते हैं कि ना ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो क्रिस्टल है, मतलब ये जो कंपाउंड है आयनिक है, ये कोवेलेंट है, ये ज्यादा आयनिक है, ज्यादा कोवेलेंट है, कैसे बता पाते हैं हम इन चीजों को। तो उसके लिए आपके पास है यहाँ फजान रूल। ठीक है, फजान का जो रूल थे, ठीक है, फजान रूल जो है वो पढ़ेंगे हम, फजान का प्रिंसिपल जो है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ। तो फजान रूल्स है यहाँ, उसने बताया मैं पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन, तो पहली टर्म है पोलराइजेशन, व्हेन ए कटायन इज अप्रोचेस टू एन अनायन, व्हेन ए कटायन इज अप्रोचेस टू एन अनायन, देन the electron cloud of the anion get attracted toward the cations and get distorted. This is known as polarization. कि जब एक cation anion को approach करता है तो anion का electron cloud जो है वो cation की तरफ attracted होता है और उसका कुछ part क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड, बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। द पोलराइजिंग द पावर ऑफ ए कटायन टू अट्रैक्ट द अनायन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। कटायन की मतलब वो पावर, किसकी कटायन की, जिससे कि वो अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड द एबिलिटी ऑफ अनायन to get distorted या to get polarized या to get attracted by the cation, कि ना वो ability जिसकी वजह से anion cation की तरफ attract हो रहा है या उसका कुछ part distort हो रहा है is known as polarizability। तो cation की तो क्या है, polarizing power, जिससे वो anion को अपनी तरफ attract करता है, और anion की है polarizability, अनायन की एबिलिटी क्या होने की, पोलराइज होने की एबिलिटी। ठीक है, पोलराइज होने की एबिलिटी, उसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ये था पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर कैसे होगा, पहला स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, smaller the size of cation, higher is its polarizing power, higher is its polarizing power and greater is the covalent factor, greater is the covalent character। जितना size छोटा है cation का size जितना छोटा होगा, जैसे ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे लिथियम है, लिथियम मतलब कटायन का साइज लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है, जितना साइज छोटा होगा, लिथियम का साइज छोटा है सोडियम से, सोडियम का साइज छोटा है पोटेशियम से, जितना साइज छोटा होगा कटायन का उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना कि ट्रांसफर,
उतना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना कि ट्रांसफर। दूसरी चीज, लार्जर इज द साइज ऑफ अनायन, अनायन हायर इज इट्स, हायर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, हायर इज इट्स पोलिबिलिटी पोलराइजेबिलिटी एंड ग्रेटर इज द कोवेलेंट फैक्टर। जितना अनायन का साइज बड़ा है, जितना अनायन बड़ा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, उतना ही वो कटायन की तरफ पोलराइज होगा और उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। जैसे फ्लोराइड से बड़ा साइज है क्लोराइड का, क्लोराइड से ज्यादा बड़ा साइज है ब्रोमाइड का, उससे ज्यादा आयोडाइड का। जितना साइज बढ़ता जा रहा है मतलब आयोडाइड का या आयोडीन का कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होगा ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड का कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होगा क्लोराइड से, क्लोराइड का कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होगा फ्लोराइड से, या उल्टा फ्लोराइड का कंपाउंड ज्यादा आयनिक होगा क्लोराइड से, क्लोराइड का ज्यादा आयनिक ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड का ज्यादा आयनिक आयोडाइड से, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है साइज बढ़ने के साथ साथ तो आयनिक करेक्टर घटेगा, एक बात है। तो कटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, अनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, एक चीज। तीसरी, ठीक है, हायर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट फैक्टर, ग्रेटर इज द कोवेलेंट फैक्टर। आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज है, जैसे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम के ऊपर प्लस एक चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस दो, एल्यूमिनियम पर प्लस तीन, तो जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर होगा। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस करना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है तो इसलिए आयनिक ज्यादा होगा। मैग्नीशियम दो लॉस कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करना उतना आसान नहीं जितना एक लॉस करना है, तो जल्दी से लॉस नहीं होगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा नहीं होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि शेयर करेगा। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज्यादा आसान नहीं है, तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान नहीं है जबकि शेयर करना थोड़ा सा आसान होगा, तो इसलिए कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। अब इफ द आयन हैज, इफ द आयन आयन्स हैज सेम साइज एंड सेम चार्ज, इफ द आयन हैज सिमिलर चार्ज एंड साइज देन then the ions then the ion sorry which have pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration has higher covalent character pseudo noble gas configuration। सुडो नोबल गैस कौन सी होती है? सुडो नोबल गैस होती है आर्गन, हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन देन इट हैव हायर कोवेलेंट करेक्टर। अब देखिए सोडियम और कॉपर, सोडियम के ऊपर प्लस एक चार्ज है, कॉपर के ऊपर भी प्लस एक चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, दोनों का साइज भी बराबर होता है, सोडियम के आयन का साइज और कॉपर के आयन का साइज भी बराबर होता है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है और साइज बराबर है। अब इसमें कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा या आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किसका होगा जो सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखता हो, जो आर्गन की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखता हो। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास 11 टोटल, कॉपर के पास 29, एक एक छोड़ दिया, इसके पास 10, इसके पास 28, तो 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? 28 वाले के पास होंगे ना कि 10 वाले के पास? तो कॉपर का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा,
या सोडियम का आयन इफेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो उल्टी बातें हैं, ठीक है। तो वो आयन जिनका चार्ज बराबर और साइज बराबर है, तब कौन सा आयन कोवेलेंट इफेक्टर ज्यादा रखेगा? ये कटायन है, तो किस किस आयन की पोलराइजिंग पावर, किस कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? तो कॉपर की, क्योंकि वो क्या रखता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखता है, क्योंकि वो क्या रखता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखता है, बिकॉज इट हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ज्यादा है, सॉरी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसके पास है, मतलब आर्गन की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसके पास, आर्गन का, तो कॉपर के पास, तो कॉपर का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ। ये क्या था, फजान, फजान का प्रिंसिपल था कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के लिए। अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ये याद रखेंगे आप, फजान के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। जेई में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, कि कौन सा ज्यादा आयनिक है, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, या इन कंपाउंड कौन क्या आयनिक और कोवेलेंट के कैरेक्टर के हिसाब से लिखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पता लगेगा आपको। तो ये था फजान, ये करना है आज आपको। कल मैं आपको, मतलब नेक्स्ट आपको क्या करवाऊंगा, वेश पर थ्योरी करवाऊंगा, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेश पर थ्योरी। धीरे धीरे काम चल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आप चीजों को अच्छे ढंग से कर ले, अच्छे ढंग से कर ले चीजों को, ताकि हम लास्ट तक करवा देंगे सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा जाना, ताकि आप इसको अच्छे ढंग से कर ले, ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो ये काम आपको करना है, ये करना है आपको, फजान रूम।